हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम किस्त वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों किस्त वाले, सिंपल इंटरेस्ट के किस्त वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों स्टूडेंट को काफी सारे दिक्कत आ जाती है दोस्तों। तो हम आपके लिए ऐसा ट्रिक लेके आए दोस्तों कि आप कोई इस तरह के क्वेश्चन को, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, जो भी आपका किस्त का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का किस्त का क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम न लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 4% की दर से 848 रुपए के ऋण के भुगतान हेतु कितना वार्षिक चुकाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कितना वार्षिक चुकाना पड़ेगा, मतलब प्रति वर्ष कितना किस्त चुकाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे दोस्तों, देखिए आपको क्या करना है दोस्तों। देखिए पहले साल जो होता है दोस्तों 100 रुपए, ठीक है दोस्तों। दूसरे वर्ष चार वर्ष के लिए 4% की दर से दोस्तों, तो दूसरे वर्ष जो होगा दोस्तों 104 होगा। फिर तीसरे वर्ष जो होगा दोस्तों 108 होगा, ठीक है। फिर चौथे वर्ष होगा 112, ठीक है दोस्तों। ये सबको क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सीधे आप सिंपल से जोड़ लीजिए, 112 108 104 100, ठीक है दोस्तों। ये सबको जोड़ेंगे तो 8 4 12 12 2 14 14 के 4 बाकी 1 1 1 2, फिर 4 है 1 2 3 4, तो 4 424, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो गया 424 दोस्तों, 424% कितने के बराबर है, 848 रुपए की बराबर है, ठीक है दोस्तों। 848 रुपए की बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो 1% जो है दोस्तों, 1% 848 बटे 424, ठीक है दोस्तों। इसको काटेंगे 424 से, तो दो बार में 848 कट जाएगा दोस्तों। देखिए 1% है दोस्तों दो रुपए के बराबर, तो 100% कितने की बराबर होगी दोस्तों, 200 के बराबर। 100 × 2 = 200, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपको प्रति वर्ष दोस्तों 200 रुपए चुकाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। देखिए आपके सामने इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर पहले वाला क्वेश्चन में अगर कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा दोस्तों, तो इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 4 वर्ष में 5% की दर से 6450 रुपए के ऋण के भुगतान करने हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, ठीक है दोस्तों। कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, तो आप इसको किस तरह से करेंगे दोस्तों। देखिए कितना करना होगा, तो आप जो है दोस्तों इसी तरह से करेंगे। देखिए पहला वर्ष जो दोस्तों 100 रुपए, दूसरा वर्ष जो दोस्तों 4 वर्ष के लिए है 5% की दर से, तो दूसरा वर्ष 105, तीसरा वर्ष 110, ठीक है दोस्तों। चौथा वर्ष 115, ठीक है दोस्तों। देखिए पहला वर्ष 100 रुपए, दूसरा वर्ष 105, तीसरा वर्ष 110, चौथा वर्ष 115, ठीक है दोस्तों। अब सबको ऐड कर लेते हैं दोस्तों, सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 5 10 के सुनना कैरी 1 1 1 2 1 है दोस्तों, 1 1 2 1 3, फिर 1 2 3 4 4 430 रुपए। देखिए दोस्तों यहाँ पे 430% कितने के बराबर है दोस्तों, 430% 6450 रुपए के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपका 1% कितने के बराबर हो जाएगी दोस्तों, 6450 बटे में 430, ठीक है दोस्तों, 430। अब इसको काटेंगे दोस्तों, तो 1 0 से 1 0, अभी इसको 43 से काटेंगे दोस्तों, तो 15 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1% है दोस्तों 15 रुपीज के बराबर, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगी दोस्तों, 100% क्या करेंगे हम, 15 × 100 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 1500। प्रति वर्ष आपको 1500 रुपए किस्त चुकाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके दोस्तों शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लें दोस्तों, कि कम से कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छे ट्रिक सीखने के लिए मिल सके दोस्तों। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।